अच्छी सोच, ये जो बदगुमानी है ना, बुरा सोचना बुजुर्गों के बारे में भी, लोगों के बारे में भी, गरीबों के बारे में भी। अगर किसी बंदे को चार पैसे मिल गए तो ये कहना कि यार पता नहीं इसने कौन सा बैंक लूटा है, और अगर नहीं मिले तो कहना ये काहिल ही बड़े हैं, काम ही नहीं करते। हर जगह बदगुमानी। अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न्न इन्न बादा ज़न्न इस्म। ए ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से बचो, बाज गुमान भी गुनाह है, अच्छा सोचें। हुज़ूर ने फरमाया कि सबसे बड़ा झूठ बदगुमानी है, लोगों के बारे में अपने ख्यालात को परागंदा कर लेना, बुरा कर लेना, बुरा सोचना, बिखर जाना ख्यालात का, ये सबसे बड़ा झूठ है। माशरे में जब सोचें अच्छी होती हैं तो माशरा सेहतमंद होता है। पाकिस्तान में ना डिप्रेशन के मरीज कोरोना के बाद 65% के करीब गए। किसी को थोड़ी सी टेंशन है, किसी को ज्यादा है। अब इसमें सबसे बड़ा, ये जो टेंशन का मर्ज है, इसमें सबसे बड़ा मसला बदगुमानी का है। आप डॉक्टर के पास पहले दिन जाएंगे ना, मुझे टेंशन है, तो पहला सबक ये पढ़ाएगा कि अच्छा सोचा करो, और जो रब ने दिया उस पर राजी रहना सीखो, टेंशन खत्म होगी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना अच्छी सोच लोगों के अंदर लाना चाहते, लोगों को लोगों के हक में नरम करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे के लिए दलाइल देते। हर तबके की हुजूर ने इज्जत बयान की। मजदूर से, मेहनत करने वाले से कहा, यह अल्लाह का दोस्त है। जो तिजारत करने वाला था, फरमाया जो सच्चा ताजर होगा कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स को एहसास दिया अच्छा गुमान। अगर बिलफर्ज किसी वक्त आपको ऐसा लगता है कि फलां आदमी ये गलती कर रहा है, तो एक तो ये कि अगर वो बुजुर्ग है, कोई आलिम है, कोई अल्लाह वाला है, कोई हमसे बड़ा है, हमारा वालिद है, तो उसकी उस गलती को, उसकी तावील करने की कोशिश करें। अच्छा है, अगर कोई अच्छा पहलू निकलता है तो अच्छे। एक औरत जा रही है तेजी से बेपर्दा गली में, तो बुजुर्ग फरमाते हैं उसे बेहया ना कहो, हो सकता है बेचारी का बच्चा छत से गिर गया हो। दुपट्टा माँ को याद ही नहीं था, दौड़ गई, हालांकि याद रहना चाहिए था उस मौके पर। लेकिन कुछ ऐसा करें कि जिससे हमारा जेन हर वक्त ना उलझा रहे। मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, सबक मैंने अर्ज करना तो मैं कर चुका। अगर गुमान हमारे सही रहने लग जाए ना, मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलवी बड़े बुरे हैं, पीरों का कोई हाल नहीं, सियासतदान सारे पाकिस्तान के ख़राब हैं, कौम सारी लालची है। मैंने कहा, आप दूर बैठे हैं, आपको क्या बताओ। अगर मौलवी पीर कुछ नहीं कर रहे तो मस्जिदों के अंदर रमज़ान में हाफिज़ ज़्यादा होते हैं, मस्जिदें थोड़ी होती हैं, तो इनको कोई पढ़ा रहा है तो इतने बंदे पढ़ रहे हैं ना, कोई आलिम बना रहे हैं तो बन रहे हैं ना। कोई आपने कभी देखा है कि आज हड़ताल है, मौलवियों की जुमा नहीं होगा? क्या बात करते हैं, दूर बैठ के बदगुमानी। और जहाँ तक कौम का ताल्लुक है, जिस बेटी बेचारी ने खुद सिलाई मशीन पर बैठ के अपना जहेज बनाया था ना, जब जलजिला आया कश्मीर पे, तो उसने भी कहा था, अब्बा मैं तीन कपड़ों में चली जाऊंगी, ये जलजिले वालों को दे दे सामान। ये जवान जिनको लोग बड़ा बुरा कहते, एक बाबा जी को खून की एक बोतल की जरूरत पड़ जाए तो 14-14 बच्चे गलियों में खड़े होते, इनको बुरा कहते। हम अपनी सोच को ठीक नहीं करते। वो क्या कहते हैं, ऐनक का शीशा नहीं साफ करना, सामने वाले का मुंह ही साफ करते रहना। आप थोड़ी सी तवज्जो दें। इमाम अब्दुल्ला जाफरी रहमतुल्लाह लिखा है कि सारा बगदाद जितना भी था, सब इज्जत करता था हजरत बिशरे आफी रहमतुल्लाह अलैह की। सारा बगदाद इज्जत करता, प्यार करता, नंगे पांव चलते थे तो जानवर भी गोबर नहीं करते थे गलियों, इतना अल्लाह ताला ने उन्हें एजाज दिया था, नवाजा हुआ था। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते उधर बिशर आफी। भाई तुम्हें क्यों नहीं अच्छे लगते, जरा वजह सुनना। कहते इसलिए नहीं अच्छे लगते कि वो जुमे वाले दिन ना फर्ज पढ़ के चले जाते, बाकी मस्जिद में नमाज नहीं अदा करते। मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ भी नहीं है। हमारे यहाँ ना बाकियों पर तो नहीं, पर पाबंदी होती है कि असर की भी पहली चार सुनते पढ़े, उस पर पाबंदी है। तो मैं अक्सर कमेटी वालों से पूछता हूँ कि जो पाबंदी अल्लाह रसूल ने नहीं लगाई वो आप क्यों लगाते हैं, मेहरबानी करें, लोगों को गुंजाइश दें। आप वो जबर क्यों करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जी हजरत बिशरे आफी रहमतुल्लाह ले फर्ज जमात के साथ जुमे वाले दिन पढ़ते हैं तो बाकी नमाज पढ़े बगैर चले जाते। लोगों ने उसे समझाया तो वो ताजर कहता है मुझे बड़े अरसे के बाद एक दिन ख्याल आया, वैसे पता करूं तो सही, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, पता तो करूं मसला क्या है।
मालूमात तो करो। कहते जुमा पढ़ा हजरत के साथ मैंने, तो सलाम फेर के वो निकले मस्जिद से, तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। उन्होंने जल्दी से जाके ना तो एक नान भाई की दुकान से नान खरीदे, तो मैंने फिर बदगुमानी की। मैंने कहा ओहो, पीर साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुनन और नवाफिल छोड़ दिए। फिर वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने गोश्त वाली दुकान से कबाब खरीदे होटल से, तो मैंने कहा मौलाना की उम्र देखो और जायके देखो। फिर वो जंगल की तरफ बढ़े तो मैंने तीसरी बदगुमानी की। मैंने कहा ये मुरीदों से छुप के सब्जे पे बैठ के खाएगा। कहते थोड़ा सा रास्ता गुजरा तो एक कच्चा मकान आया, बाहर से कुंडी लगी थी। शेख ने अपने हाथों से वो मकान की दरवाज़ा खोला और मैं देख रहा था सामने एक फालज के मरीज बुजुर्ग लेटे। और जब वो आगे बढ़ के मैंने देखा तो उनके मुंह से रतूबतें निकल रही थी और वो तकलीफ में थे। हजरत बिशर आफी ने पहले सीधा करके लिटाया, फिर अपना इमामा खोल के पानी में डुबो के उनका मुंह धोया और पहला लुकमा तोड़ के उनके मुंह में डाला, तो फरमाने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमा था मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नते और नफल भी पढ़ने हैं, अभी तो मेरी बकिया नमाज रहती है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैंने कहा मैं क्या कहता था, ये क्या बना, मैं कहाँ खड़ा था, ये क्या रंग निकल आया। हजरत शेख ने जब कहा ना माफ कर दो तो बाबा जी रो पड़े, कहने लगे मेरा आगे पीछे कोई नहीं और जो थे वो भी मुझे छोड़ गए। बिशर 14 साल हो गए तो रोज मेरी रोटी लेके आता, तो कब तक आएगा यार, मैं कब तक बड़ा रहूंगा, कब तक तू इतना तकल्लुफ करेगा। तो हजरत बिशर हाफी ने उनको रोते देखा तो रोए, आंसू पोंछ के कहने लगे ये जो रब की इतनी रहमतें बरसती हैं ना, और इंसानों से लेकर जानवर तक मेरी कदर करते हैं, तो इसके पीछे हिकमत ये है कि मैं आपकी खिदमत करता हूँ तो अल्लाह ने मखलूक के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दी। अपना गुमान ठीक करें, सोचें ठीक करें। हुजूर की ग़ुलामी में जो सोचें हुजूर ने हमें अता की उन पर तवज्जो करें, फिर देखें अल्लाह की मदद आएगी, महबूबियत नाजल होगी। जो हम करने के काबिल भी नहीं वो काम भी रब ले लेगा, जो जो बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ वो भी अल्लाह की तौफीक से हो जाएगा। उलझना छोड़ दें, बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ छोड़ दें, बहुत ज़्यादा कहानियाँ छोड़ दें, नए नए उलझे उलझे सवालात और बिखरी सोचें। और हमारे बच्चों का ये कहना कि फलाना भी गलत फलाना भी गलत, तो भाई ये तो आपके ज़िम्मे ही नहीं, आपके तो ज़िम्मे अपना आप है। बुरे बंदे नूं लब्भन टुरिया सां जग ते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर झाती पाई ते मैथों बुरा ना कोई। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इत्तबा है उसमें हमें जो निखरी ज़िंदगी मिलती है वो हमें ताज़ा दम रखेगी, परेशान नहीं होने देगी, ख्यालों को आवारा नहीं होने देगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए।